मैं अब गुजारिश करता हूँ आपके इस मशहूर इलाके के मशहूर नाज़िम मुशायरा मोहतरम इकबाल अकरम वारसी साहब को ये कहते हुए कि हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं, हवेली में महल में फूस के छप्पर में रहती हैं, बड़े बूढ़ों के दम से रौनकें हर घर में रहती हैं। और हमें तो जिंदगी के तजुर्बों ने ये सिखाया है, इरादे हों जवां तो मंजिलें ठोकर में रहती हैं। मोहतरम तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें, आपके इलाके के नाजिम हैं, आपके दयार के नाजिम हैं, मुझसे अच्छा वो माहौल समझते हैं। दोस्तों यकीनन ये बात सच है जो मुतीमुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि मशायरे की कामयाबी में आप लोगों का भी हाथ होता है। मैं आपकी अपने आपका अपना भाई आपके दयार का हूँ। मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि आप एक अच्छे बासलाहियत एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप अपनी सलाहियतों का सबूत देते हुए आप आगे बढ़े जाइए। जी चलिए चलिए, कोई बात नहीं भाई भाई, ये अरे आप मुशायरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आप बहुत अच्छे हैं आप, मैं आपकी आपकी दिल से कद्र करता हूं। यकीनन आपने जो जहर किया बड़ा प्यारा इजहार किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों बस मेरी इतनी मोदबाना गुजारिश है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत कायदे से, मैं आपके बीच में पिछले 4-5 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। रख ले दिले बेताब के जज्बात, रख ले पुकारा है तुझे अपना समझ कर, बस इतनी आरजू है बात रख ले। इन रेशमी सितमगर मेरी बात रख ले, दिले बेताब के जज्बात रख ले, पुकारा है तुझे अपना समझकर, बस इतनी आरजू है बात रख ले, बस इतनी आरजू है बात रख ले। इन रेशमी जुल्फों को गिरहगीर बना लो, शुक्रिया, इन रेशमी जुल्फों को गिरहगीर बना लो, रखना है मुझे कैद तो जंजीर बना लो। इन रेशमी जुल्फों को गिरहगीर बना लो, रखना है मुझे कैद तो जंजीर बना लो। और कागज पे लकीरें तो बहुत खींच ली तुमने, इन सब को मिलाकर मेरी तस्वीर बना लो। दोस्तों ये शेर मेरे नहीं है, सिर्फ माहौल बनाना था मुझे। मोहब्बतें आपकी, दुआएं आपकी, बहुत अच्छा, शुक्रिया, मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रगुजार दोस्तों आपका कि आपने अपने आप को अच्छा होने का सबूत दे दिया। अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रखे। तो अब आइए बेटा, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरे बाद, आप यकीन जानिए ये सब बच्चे हैं, यही कल के राहत इंदौरी मुनव्वर राणा बनेंगे, इनको आपकी दुआओं की मजीद जरूरत है। आप एक दुर्वेश सिफत सीख सकते हैं जिसको दुआएं देते हैं, यकीन जानिए ये आपकी सरजमीन आज हिंदुस्तान में भैया, बल्कि आलम का सबसे बड़ा शायर जिसे हम राहत इंदौरी कहते हैं, वो इस बात के लिए एतराफ करता है कि सरजमीन खीरी ही वो जमीन है जहाँ पे पहला मुशायरा मैंने पढ़ा और आज दुनिया का बड़ा मुशायर बन चुका हूँ। दोस्तों आपकी समातों को मैं सलाम करता हूँ, आपके एहसास बहुत ही बलीग हैं, बहुत ही बालिग हैं, और इंशाल्लाह और ये मुशायरा कामयाब होगा। और मुतीबुर रहमान साहब बहुत अच्छी निजामत करें, बस थोड़ा सा बैठ जाइए, माहौल दे दीजिए, आप कत्ल मत करें दरोगा जी, आप बैठ जाइए, वही सब बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना कलाम शुरू करता हूँ, एक बार पूरा पंडाल जोरदार, चलिए जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों यहाँ से हम देखे ताल्लुक से एक शेर कहता हूँ, आप हजरत का सबका गाऊं चाहता हूँ, अर्ज क्या है कि ना अफजल बोलता है और ना कमतर बोलता है, ना अफजल बोलता है और ना कमतर बोलता है, खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है, ना अफजल बोलता है और ना कमतर। असलम ठेकेदार साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे समधी भी हैं, ये मुझे बात में मालूम था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर रई साहब शुक्रिया, डॉक्टर रई साहब बैठे हुए हैं, रवि शर्मा साहब ने मुझे याद दिलाया कि अपने यहाँ इकबाल अकरम साहब भी, तो उनको याद कर लीजिए। दोस्तों आइए चार मिसरों से आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अर्ज क्या है कि शहादत के तेरी महफिल में जितने जाम बाकी हैं, शहादत के तेरी महफिल में जितने जाम बाकी हैं,
हर एक प्याले पे मेरी कौम के ही नाम बाकी है। हिंदुस्तान के हालात और ये मर्द मुजाहिद इसकी आवाज, शहादत के तेरी महफिल में जितने जाम बाकी हैं, हर एक प्याले पे मेरी कौम के ही नाम बाकी हैं। और चढ़ाकर दार पे सद्दाम को कुछ होने वाले सुन, हमारे घर में अभी सैकड़ों सद्दाम बाकी। शुक्रिया मोहब्बतें आपकी। शहादत के तेरी महफिल में जितने जाम बाकी हैं, ये चाय चाय रोक दो भैया, बेटा चाय रोक दो, विजय लक्ष्मी जी। शहादत के तेरी महफिल में जितने जाम बाकी हैं, शहादत के तेरी महफिल में जितने जाम बाकी हैं, हर एक प्याले पे मेरी कौम के ही नाम बाकी हैं। हर एक प्याले पे, हर एक प्याले पे, हर एक प्याले पे मेरी कौम के ही नाम बाकी हैं। और चढ़ाकर दार पे सद्दाम को खुश होने वाले सुन, हमारे घर में अभी सैकड़ों सद्दाम बाकी हैं, हमारे घर में अभी सैकड़ों सद्दाम बाकी हैं। अर्ज क्या है कि बेसरो सामा है कि 313 हो जिसमें बस वो लश्कर चाहिए, 313 हो जिसमें बस वो लश्कर चाहिए, या खुदा अब तो वही खंदक का मंजर चाहिए। 313 हो जिसमें बस वो लश्कर चाहिए, या खुदा अब तो वही खंदक का मंजर चाहिए। फिर यहूदो और नसारा कर रहे हैं साजिशें, फिर मेरे मालिक को ही खालिद हैदर चाहिए, फिर मेरे मालिक। शुक्रिया मोहब्बत है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। एक बार आप लोग थोड़ा मसरूफ ना, मेरे भाई पे ये इश्तहार बाद में देख लेना। भैया शायद मैं भी थोड़ा बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे भाई थोड़ी मेरी बात सुन लो। मेरे मोहतरम भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं आपके दरमियान आया हूँ, आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। आप लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब फिर भाई बात की शहादत कहते हो कि 313 हो जिसमें बस वो लश्कर चाहिए, 313 हो जिसमें बस वो लश्कर चाहिए, या खुदा अब तो वही खंदक का मंजर चाहिए। और फिर यहूदो और नसारा कर रही हैं साजिशें, फिर मेरे मालिक कोई खालिद या हैदर चाहिए, फिर मेरे मालिक कोई खालिद या हैदर चाहिए। और दोस्तों शायर अपनी कलम का आज़ाद हुआ करता है, और जो देखता वही नज्म करता है। चार मिसरे आप तक पहुँचा रहा हूँ कि नदियों की और ना नालों की सफाई कीजिए, समझ जाता हूँ, नदियों की और ना नालों की सफाई कीजिए, ना तो सड़कों अस्पतालों की सफाई कीजिए, नदियों की और ना नालों की सफाई कीजिए, ना तो सड़कों अस्पतालों की सफाई कीजिए, और गंदगी खुद दूर हो जाएगी अपने मुल्क से, सिर्फ दिल्ली से दलालों की सफाई कीजिए। सिर्फ नदियों की और ना नालों की सफाई कीजिए, नदियों की और ना नालों की सफाई कीजिए, ना तो सड़कों अस्पतालों की सफाई कीजिए, और गंदगी खुद दूर हो जाएगी अपने मुल्क से, सिर्फ भारत से दलालों की सफाई कीजिए, सिर्फ भारत से दलालों की सफाई कीजिए। और जो शेर में पढ़ना चाहता था वो आप लोगों के हंगामे में पढ़ नहीं सका, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। कभी कभी ऐसा होता है। चार मिसरे में अहले सुखन के हवाले से करता हूँ, दोस्तों आप हिफाजत कीजिए। अर्ज क्या कि समझ लो आप भी, मैं आन बान वाला हूँ, समझ लो आप भी, मैं आन बान वाला हूँ, नहीं हूँ गालिबो मोमिन पहचान वाला हूँ, समझ लो आप भी मैं आन बान वाला हूँ, नहीं हूँ गालिबो मोमिन पहचान वाला हूँ, और जहाँ भी जाऊँ महक साथ साथ जाती है, जहां भी जाऊं महक साथ जाती है, खुदा का फजल है उर्दू जबान वाला हूं, जहां भी जाऊं महक साथ साथ जाती है, अरे वाह अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चे को, बहुत तरक्की करो, जहां भी जाऊं महक साथ साथ जाती है,
خدا کا فضل ہے اردو زبان والا ہوں، خدا کا فضل ہے اردو زبان والا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ دیوں کی طرح جلو تو روشنی ہوگی، دیوں کی طرح سے جلیے تو روشنی ہوگی، دیوں کی طرح سے جلیے تو روشنی ہوگی، حسد کی آگ میں جلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیوں کی طرح سے جلیے تو روشنی ہوگی، حسد کی آگ میں جلنے سے کچھ نہیں ہوتا، حسد کی آگ میں جلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو تم میں دم ہے تو حالت سدھارو شہروں کی، جو تم میں دم ہے تو حالت سدھارو شہروں کی، فقط یہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، میں اپنے آپ کو باوقار سمجھ لیا، کیونکہ آپ کے استاد الشعرا جو تمبور سے تشریف لائے انہوں نے نماز دیا محبتیں آپ کی، کہ دیوں کی طرح سے جلیے تو روشنی ہوگی، دیوں کی طرح سے جلیے تو روشنی ہوگی، حسد کی آگ میں جلنے سے کچھ نہیں ہوتا، حسد کی آگ میں جلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور جو تم میں دم ہے تو حالت سدھارو شہروں کی، فقط یہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ابھی جو ایک معاملہ ہوا تھا گھر کے، اس معاملے کو لے کے دو شعر پڑھ رہا ہوں دوستوں، کہ پھولوں کی پوشاک کے پیچھے نوجوان بچے شعرا جو سامعین ہیں بڑا کود رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کے محبت کو یاد کر کے۔ ایک پیغام دے رہا ہوں کہ میں پیغام دیا کہ پھولوں کی پوشاک کے پیچھے خنجر بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہنے بھائی ڈاکٹر، اگر اچھا ہے تو بھیا ایک تالی بجیے، تالیاں اور بجاؤ۔ بہت شکریہ کہ پھولوں کی پوشاک کے پیچھے خنجر بھی ہو سکتا ہے، پھولوں کی پوشاک کے پیچھے خنجر بھی ہو سکتا ہے، اور تم نے جس کو چاہا ہے وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، بہت عمدہ۔ پھولوں کی پوشاک کے پیچھے خنجر بھی ہو سکتا ہے، تم نے جس کو چاہا ہے وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک بہت سچا شعر دہراؤں ہوں کہ تم نے جس کو چاہا ہے، تم نے جس کو چاہا ہے وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، اور تم جس کے کردار پر اکثر ہنسی اڑایا کرتے ہو۔ کیا کہتے ہو، تم جس کے کردار، جس کے کردار پر اکثر ہنسی اڑایا کرتے ہو، وہ اپنے کردار میں تم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے کردار میں تم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، تم جس کے کردار پر اکثر۔ شکریہ محبت دوست بھائی، بہت شکر گزار ہوں دوستوں آپ کا، اور آپ نے اس بھائی کی لات بچائی، آپ واپس آئے، مشاعرے کو مشاعرہ بنایا۔ اللہ آپ کو خیر برکت عطا فرمائے، آپ کی شادی میں برکت کرے آپ۔ دراصل برکتیں وہیں چالو ہوتی ہیں، برکتیں۔ ایک لطیفہ یاد آتا، بات میں آ گیا تو سناؤں، کہ ایک بار ایک صاحب نماز پڑھے تھے مسجد میں، بہت کھوئے ہوئے تھے۔ ایک کوئی باہری آدمی آیا، اس نے پوچھا صاحب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وہاں کے دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا یہ ان کی تعریف کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، یہ پٹھان ہے ذات کے، یہ پنجگانہ نمازی ہیں، روزدار بھی ہیں، زکوٰۃ بھی خوب دیتے ہیں، خیرات بھی خوب دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گئے۔ وہ صاحب خان صاحب نماز پڑھ لیتے، جب اتنا خاموش کہہ کے خاموش ہو گئے تو خان صاحب نے نیت توڑی اور اسے کہا اس سے بتا دو ہم حاجی بھی ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، کیا بات، اس سے بتا دو ہم حاجی بھی ہیں۔ دوستو یہ بات یہاں کے پٹھانوں کی نہیں ہے، یہاں کے پٹھان مجھے معاف کر دینا، یہ دور کے پٹھانوں کی بات ہے۔ شکریہ دوستوں، محبتیں مولوی صاحب، محبتیں، شکریہ آپ کی۔ میرے سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار تالی بجا دیجیے، ایک بار، صرف ایک بار تالی بجا دیجیے۔ کیا بات، یہ سب میرے بھائی، میرے چہتے لوگ ہیں۔ دوستوں اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی نظم سنا دوں، کیا نظم سناؤں؟ تالی بجا دو لے کر کے، زوردار تالیاں۔ نظم کا عنوان اتہاس، مشرا جی دیکھیے، نظم کا عنوان اتہاس۔ صاحب ٹھیکیدار صاحب تشریف رکھے ہیں، آپ کی بھی دعائیں مجھے چاہیے، ایسا نہیں، اور رئیس بھائی جی آپ کی بھی دعائیں چاہیے۔ عرض کیا ہے کہ نظم کا عنوان ہی اتہاس، اور بہت سچی نظم دے رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بتا تو ہی میرے بھارت، تیرا اتہاس کیا لکھوں۔ کیا بات، آج کے حالات اور سچائی ملاحظہ فرمائے کہ بتا تو ہی میرے بھارت، تیرا اتہاس کیا لکھوں۔ اسلم صاحب آ جائیے اور خاموش بیٹھ جائیے،
आपकी दुआएं चाहिए मुझे कि बता तू ही मेरे भारत, तेरा इतिहास का लिखूं, तशद्दुद और सितम लिखूं कि मैं जुल्म जफा लिखूं, तशद्दुद और सितम लिखूं कि मैं जुल्म जफा लिखूं। तेरी हालत तेरे अपनों ने कुछ ऐसी बना डाली, मैं हरदम सोचता रहता हूँ लिखूं भी तो क्या लिखूं। क्या बात है मोहतरम, वाह 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 वाह, क्या बात, शुक्रिया, बहुत उम्दा मोहतरम। आप लोगों को समझ में नहीं आया करके एक बार ताली बजाइए। हाँ इनाम लेके चले आइए, इनाम जरूर है। बता तू ही मेरे भारत, तेरा इतिहास क्या लिखूं, तशद्दुद और सितम लिखूं कि मैं जुल्मों जफा लिखूं। तेरी हालत तेरे अपनों ने कुछ ऐसी बना डाली, मैं हरदम सोचता रहता हूँ लिखूं भी तो क्या लिखूं। इधर देखो उधर छाए हुए हैं जुल्म के बादल, फजाएं जहर आलूदा, हवाए वक्त है पागल, तबाही पर आमादा है हजारों शिमर के बेटे, कहीं पगड़ी उछलती है तो लुटता है कहीं आचल। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत, कहीं पगड़ी उछलती है, कहीं पगड़ी उछलती, मोहब्बत है दुआएं आपसे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं पगड़ी उछलती है तू लुटता है कहीं आचल, कहीं पगड़ी उछलती है तू लुटता है कहीं आचल, कहीं मुफलिस की बेटी और कहीं घर को जलाते हैं, सबक मासूम बच्चों को भी नफरत का पढ़ाते हैं, कहीं मंदिर का झगड़ा और कहीं मस्जिद का झगड़ा है, धर्म के नाम पे इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत, धर्म के नाम पे इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, धर्म के, शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआएं आपकी, मोहब्बत है आपकी। क्या बात है, कहीं से कहीं धर्म के नाम पे इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, कहीं सहमे हुए मजलूम बच्चे माँ की बाहों में। जी तवज्जो चाहता हूँ, क्या बात, शुक्रिया, ये मोहब्बतें आपकी हैं कि चलिए कोई बात नहीं, वो अच्छे अच्छा आदमी है, उसका अपना काम करने दीजिए, आप हमसे जुड़िए, मैं भी एक पागल हूँ। एक जिसके दिल में दर्द होता है वो पागल होता है, ताली बजाइए इसी बात पे, जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह, जिसके दिल में दर्द होता है वो पागल होता है और शायर भी एक पागल होता है, उसे कि बता तू ही मेरे भारत, तेरा इतिहास क्या लिखूं, तशद्दुद और सितम लिखूं कि मैं जुल्म जफा लिखूं, तेरी हालत तेरे अपनों ने कुछ ऐसी बना डाली, मैं हरदम सोचता रहता हूं लिखूं भी तो क्या लिखूं, मैं हरदम सोचता हूं, कहीं सहमे हुए मजलूम बच्चे माँ की बाहों में, कहीं सहमे हुए मजलूम बच्चे माँ की बाहों में, कहीं जलती हुई बस्ती के मंजर है निगाहों में, हजारों लाशें लावारिस पड़ी हैं सहारों पर, मगर महफूज है कातिल अदालत की पनाहों में। वाह वाह वाह, बहुत क्या, मगर महफूज है कातिल, शुक्रिया मोहब्बत, मगर महफूज है कातिल, कहीं सहमे हुए मजलूम बच्चे माँ की बाहों में, कहीं जलती हुई बस्ती के मंजर है निगाहों में, हजारों लाशें लावारिस पड़ी हैं सहारों पर, मगर महफूज है कातिल अदालत की पनाहों में, मगर है महफूज है कातिल अदालत की पनाहों में। इसका एक अगला मोड़ है, मगर महफूज है कातिल, रवि शर्मा भाई आप वापस चले आइए, कि मगर महफूज है कातिल अदालत की पनाहों में, इसी दिन के लिए अशफाक ने क्या खून बहाया था। क्या बात, इसी दिन के लिए अशफाक ने क्या खून बहाया था, इसी भारत का गांधी ने हमें सपना दिखाया था, इसी भारत का गांधी ने हमें सपना दिखाया था, मिले आजादी तो खुद लूट लेना तुम चमन अपना, यही क्या हमको दीवानी भगत सिंह ने बताया था। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत खूब, यही क्या हमको दीवानी भगत सिंह ने बताया था, खुदा के वास्ते अशफाक का खून सुरखरू कर दो, मोहब्बत के चरागों में वफाओं का लहू भर दो, ना हो गांधी का शर्मिंदा कोई सपना, ये तय कर लो भगत सिंह के लहू का कर्ज तुम हंसकर अदा कर दो। वाह वाह वाह, हमें ताली बजा दो भाई, भगत सिंह के लहू का कर्ज तुम हंसकर अदा कर दो, अजाने दे मोहब्बत की उठो हम एक हो जाएं, अजाने दे मोहब्बत की उठो हम एक हो जाएं, सदाएं दे उखुवत की चलो हम एक हो जाएं, कि हो कश्मीर या कन्याकुमारी एक हैं हम सब, दिखा दें सारे आलम को चलो हम एक हो जाएं। वाह वाह, दिखा दें सारे आलम को चलो हम एक हो जाएं, तेरी ममता मैं लिखूंगा, तेरा एहसास लिखूंगा, कि तुझमें आज भी गौतम का है विश्वास लिखूंगा, जला दूंगा मोहब्बत के दिए जब तेरे आंगन में, उसी दिन है मेरे भारत तेरा इतिहास लिखूंगा। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या कहें, मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अरे डॉक्टर साहब वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और आप वादा कीजिए कि मेरे बाद आने वाले हर शायर को अब इसी मोहब्बत के साथ सुनेंगे। एक लतीफा याद आता है, एक बार की बात है कि एक बार जानवरों में हंगामा हो गया, जानवरों में हंगामा हो गया, और हुआ ये कि बंदर ने कहा बहुत दिन हो गए राजा शेर की हुकूमत में रहते रहते, अब इस यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, अब यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, तो साहब इलेक्शन हुआ,
तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में वही जीतता जिसकी ज्यादा होती है। चंद शेर थे, शेर चुनाव हार गया, बंदर चुनाव जीत गया, बंदर को सपोर्ट हिरनों ने कर दिया। शेर को गुस्सा आया, वो दौड़ा दौड़ा और उसने हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। जब हिरन के बच्चे को पकड़ा तो हिरन की माँ भागती हुई बंदर के पास पहुंची। बंदर ने बताया कि राजा साहब, शेर ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया है। बंदर बैठा था गुस्से में, उठा बहुत जोर चीखा और आगे आगे दौड़ पड़ा, आगे आगे के बंदर, पीछे पीछे हिरन। और जाके पहुंचा, देखा शेर सामने बैठा हुआ था हिरन के बच्चे को पकड़े हुए। शेर ने जब देखा बंदर को आते हुए तो हिरन के बच्चे की एक टांग तोड़ दी। हिरन ने कहा, देखा राजा साहब तुम्हारे होते उसने एक टांग तोड़ दी। बंदर खूब जोर से चीखा और डाल पर चढ़ गया। जब डाल पर चढ़ा तो उसने दूसरी टांग तोड़ दी। हिरन ने फिर कहा, देखो राजा साहब दूसरी टांग तोड़ दी। वो बहुत जोर से फिर चीखा बंदर, तीसरी डाल पर पहुंच गया। तब तक कि शेर ने मारा पंजा, उसका पेट फाड़ दिया। अब हिरन ने कहा, तुमको राजा बनने से क्या फायदा, तुम्हारे होते हुए शेर ने हमारे बच्चे को मार दिया। तो बंदर ने कहा, देखो भाई तुम्हारे बच्चे की जान बचे या ना बचे, लेकिन हमारी भाग दौड़ में कोई कमी रही तो बताओ। दोस्तों नाजिम का मामला यही होता है, नाजिम की भाग दौड़ में कोई कमी नहीं होती है। आगे आइए, चार मिसरे के लिए हुक्म हुआ है तो मैं मादरे वतन हिंदुस्तान के नाम चार मिसरे पढ़ता हूँ। मैंने अर्ज किया कि बहुत प्यारे हैं तेरे आरिजो रुखसार लब गेसु। क्या बात है, आरिज जिससे कहते हैं, ये लड़कियां देख लीजिए, बहुत प्यारे हैं तेरे आरिजो रुखसार लब गेसु, तेरे अब्रो धनुष जैसी अनोखी शान लगते हैं। बहुत प्यारे हैं तेरे आरिजो रुखसार लब गेसु, तेरे अब्रो धनुष जैसी अनोखी शान लगते हैं। और जो तुमसे हो सके तो माफ करना रूप की रानी, जहां पर तुमको रखना था हम हिंदुस्तान रखते हैं। वाह वाला, क्या कहना होता, वाह बहुत खूब। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं तेरी आरिजो रुखसार। दोस्तों मेरे भाई ने हुक्म किया है, यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कि बहुत प्यारे हैं तेरे आरज़ू रुखसार लब गेसु, तेरे एब्रो धनुष जैसी अनोखी शान लगते हैं। और जो तुमसे हो सके तो माफ़ करना रूप की रानी, जहाँ पर तुमको रखना था हम हिंदुस्तान रखते हैं। मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी गज़ल के लिए किया, जिस गज़ल के लिए मुझे अवार्ड मिला था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से। वो गज़ल आपको सुनाता हूँ कि फूल जैसी खूबसूरत लड़कियाँ अच्छी लगी। क्या बात है, अब लड़कों की गुदगुदी होने लगी है, ताली बजाओ, अभी पता चलेगा कितने पानी में हूँ। फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी। क्या बात, वाह, फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी। दोस्तों बहनों से अच्छा था, बहनों और बेटियों और क्या माँ से ज्यादा खूबसूरत को दुनिया में नहीं होता। फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी। और फूल से वो लोग शिरकत कर जिनकी बेटियां, फूल से लिपटी हुई सब तितलियां अच्छी लगी, फूल से लिपटी हुई सब तितलियां अच्छी लगी। हमको अपने घर में अपनी बेटियां अच्छी लगी। वाह वाह वाह, बहुत यकीनन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बेटियों चला है। क्या बहुत, इस बात को मद्देनजर रखें कि शुक्रिया इंशाल्लाह। हाँ पढ़िए सुधार, हाँ जी 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 जी, तालियां बजा दी एक बार, तालियां जोरदार तालियां, कि शुक्रिया मोहब्बत है। पीछे मोहल्ले वाले अभी इतना जाड़ा नहीं, मेरे भाई ताली बजा दो यार, तुम लोग भी कुछ ख्याल रखो मेरा। तालियों से मेरा काम नहीं चलता, लेकिन मेरे अंदर का जो है पागलपन बाहर निकल के आता है। जब पागलपन बाहर निकल के आता है तो शेर अपने आप सामने हम जबान पे आते हैं। एक बार जोरदार तालियां, कि फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, फूल जैसी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगी, लड़कियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी, लेके आई प्यार से जो राखियां अच्छी लगी, और फूल से लिपटी हुई सब तितलियां अच्छी लगी। क्या बात है, वाह, फूल से लिपटी हुई सब तितलियां अच्छी लगी, हमको अपने घर में अपनी बेटियां अच्छी लगी। हमको अपने घर में शुक्रिया, हमको अपने घर में अपनी बेटियां अच्छी लगी। और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है वो शायर को अच्छी लगती हैं, एक बाप को अच्छी लगती हैं जिसके बेटियां होती हैं। देखिए कि
हम फूल की फूल की हमको अपने घर में अपनी बेटियां अच्छी लगी और मुलाजा फरमाइए आप लोग कि दूरियां अच्छी लगी मजबूरियां अच्छी लगी आपका हुक्म दूरियां अच्छी लगी मजबूरियां अच्छी लगी वक्ते रुखसत बेटियों की सिसकियां अच्छी लगी वाह 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 बहुत दूरियां शुक्रिया मोहब्बत है आपकी दूरियां अच्छी लगी दूरियां अच्छी लगी मजबूरियां अच्छी लगी दूरियां अच्छी लगी मजबूरियां अच्छी लगी वक्ते रुखसत बेटियों की सिसकियां अच्छी लगी वक्ते रुखसत बेटियों की सिसकियां अच्छी लगी शुक्रिया मोहतरम दूरियां अच्छी लगी मजबूरियां अच्छी लगी वक्ते रुखसत बेटियों की सिसकियां अच्छी लगी और जब चला परदेश मैं तो बेटियों ने प्यार से क्या बात मुलाजा फरमाइए जब चला परदेश मैं तो बेटियों ने प्यार से यूं हिलाए हाथ अपने खिड़कियां अच्छी लगी वाह 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 क्या कहने दर्द जब चला परदेश मैं तो जब चला परदेश मैं तो बेटियों ने प्यार से जब चला परदेश मैं तो बेटियों ने प्यार से यूं हिलाए हाथ अपने खिड़कियां अच्छी लगी यूं हिलाए हाथ अपने खिड़कियां अच्छी लगी और एक शेर तलमी का हो गया कि जाने कैसी माँ का बेटा था जवानी में उसे जी क्या कहने जाने कैसी माँ का बेटा था जवानी में उसे जब जलाई उसने अपनी कश्तियां अच्छी लगी जब जलाई उसने अपनी कश्तियां अच्छी लगी जब जलाई उसने अपनी कश्तियां अच्छी लगी और मक्ते का शेर पढ़ के जा चाहूंगा कि जब जलाई उसने अपनी जाने कैसी माँ का बेटा था जी जी शुक्रिया मोहब्बत मोहब्बत आपकी मोहब्बत दुआएं आपकी दोस्तों जी शुक्रिया मोहब्बत आपकी एक बार ताली बजा दो यार तुम लोग मेरे दोस्त मेरे छोटे भाई रवि शर्मा बैठे हुए हैं इनके नाम पे एक बार जोरदार तालियां जाने कैसी माँ का बेटा था जवानी में उसे जब जलाई उसने अपनी कश्तियां अच्छी लगी और मक्ते का शेर पढ़ के जा चाहूंगा कि हम जहाँ संभले थे अकरम ठोकरें खाने के बाद क्या बात है हम जहाँ संभले थे हम जहाँ संभले थे ये एक शायर का जिगर होता है कि हम जहाँ संभले थे अक्रम ठोकरे खाने के बाद जिंदगी की वो हमें सब खामियां अच्छी लगी जिंदगी की वो हमें सब खामियां अच्छी लगी फूल से लिपटी हुई सब तितलियां अच्छी लगी हमको अपने घर में अपनी बेटियां अच्छी लगी दोस्तों इजाजत चाहता हूँ और ये इस दरख्वास्त के साथ कि मेरे बाद जो भी शायर आए उसे आप इसी मोहब्बतों से नवाजिए मोहब्बतें शुक्रिया जोरदार तालियों के साथ एक बात